नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कई एक बार ऐसा होता है कि कुछ मसालों की वजह से गले में जलन होने लगती है, खराश होने लगती है, तो कभी धूल की वजह से गले में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। आज जानेंगे ऐसा क्यों है और इसका इलाज क्या है, और ये सारी चीज़ें बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ENT डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मसालों की वजह से गले में खराश या जलन होने लगती है, कभी कभी धूल से भी ये तकलीफ आ जाती है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, मसाला खाने से बेसिकली जो जलन की समस्या होती है वो वैसे लोगों को ज़्यादा होती है जो अपने खाने में हमेशा ही मसाले की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। जैसे कभी ओकेजनली अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में खा लिए, तो ज़्यादा मसाला खाने से धीरे धीरे ऐसे लोगों में एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। तो हम लोग बेसिकली इन्हें एंटासिड्स एडवाइस करते हैं, और कुछ एंटासिड्स से रिलेटेड कुछ सिरप्स होते हैं, जैसे सिरप गैविस्कॉन, सिरप जेनोसिल, बहुत सारे लोग सिरप डाइजीन वगैरह सिरप यूज़ करते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने खाने में मसाला वगैरह कम लिया कीजिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने डाइट में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। लोगों को हमेशा फ्रीक्वेंटली पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है, जो गले में जो एसिडिटी चढ़ती है, तो वो पानी पीने से इससे समस्या से काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकता है। लोगों को मैं एडवाइस करती हूँ कि अपने नाश्ता और खाने के समय को पक्का रखें। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाश्ता मैं 12 बजे करता हूँ, तो वैसे लोगों में भी ये सब समस्या बहुत ज़्यादा होती है। हम अपना नाश्ता कम से कम 8 से 9 बजे के बीच हमें प्रॉपर नाश्ता कर लेना है। 1 बजे का दोपहर का खाना, फिर शाम को हल्का फुल्का स्नैक्स लेके, रात को जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खा के तुरंत सोने के लिए नहीं जाना है। खाने और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे लोगों में भी ये देखा गया है कि जो खाने के बाद तुरंत सोने के लिए जाते हैं, तो उसमें भी ये एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ। जी, जब धूल की वजह से यही दिक्कत होने लगे, जब धूल की वजह से गले में खराश और जलन होने लगे, वैसे केस में क्या करें? जब धूल के कारण लोगों में खराश या जलन की समस्या होती है, तो बहुत सारे लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, बिकॉज इसमें ये प्रॉब्लम बेसिकली एलर्जी के कारण शुरू होती है। तो एलर्जी में हमारा किसी भी तरह का एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो हम लोग इस तरह के लोगों को जब बोलते हैं कि इस तरह से गले में खराश है, तो आप नमक पानी का गार्गल कर सकते हैं, कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस भी इसमें ले सकते हैं, और बेसिकली हम लोग इसमें एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं जो एलर्जी में कारगर सिद्ध होता है। जी, तो मैम ऐसे पेशेंट्स अगर आए, तो दवाइयों के अलावा कभी कुछ और ट्रीटमेंट भी देखना पड़ता है? अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, तो नॉर्मल दवाइयों के अलावा कुछ और गंभीर चीज़ हो सकती है यहाँ पर जो दवाइयों से ठीक ना हो? हाँ, यहाँ पे ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है कि कुछ लोग एलर्जी को समझ के किसी गंभीर बीमारी को से मिसगाइड हो जाते हैं। तो वैसे लोगों में कभी कभी जांच की ज़रूरत कराने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब ये बीमारी बार बार होती है, तो हम लोग थ्रोट स्वैब लेते हैं। थ्रोट स्वैब लेने से ये समझ में आ जाता है कि इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, कि ये एलर्जी के कारण तो हो रहा है। अगर इन्फेक्शन है तो हम लोग इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, अदरवाइज अगर इन्फेक्शन नहीं है तो सिंपल नमक पानी के गार्गल से और एंटीहिस्टामिनिक्स लेने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें कही हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।